प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ अभी, मेरे पास हाँ 10 मंथ का एक्सपीरियंस है और मैं वहां पे जाऊंगा इंटरव्यू में। वो पूछेंगे मुझसे कि आप हाँ केवीएस में क्यों आना चाहते हैं प्राइवेट जॉब छोड़कर। जैसे आपको प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट में आपको क्या बोलते, सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको वहां से बाहर किया जा सकता है ना, कोई रीजन नहीं रहेगा तो भी बाहर किया जा सकता है। वहां पे आपको सैलरी, इंसेंटिव्स या जो भी सारी चीजें, ये भी बहुत कम रहेगी। आप आपका पर्सनल ग्रोथ भी तो करना चाहते हैं ना, कि आप वहीं टिके रहेंगे, है ना, तो आपको बताना है कि मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी है ना, पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों करनी है। प्राइवेट से गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी आ जाती है अपने लाइफ में भी और जॉब में भी। उस स्टेबिलिटी के साथ हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। तो ये अगर शब्द आप यूज करोगे ना तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। सर स्ट्रेंथ और वीकनेस हॉबी में ये सब में क्या बताएंगे सर? जैसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी उन्होंने, है ना, तो स्ट्रेंथ तो आप बता देंगे, काफी पंचुअल हूँ मैं, टाइम को इजीली मैनेज कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी इतनी अच्छी है कि मैं चीजों को जल्दी कैच कर लेता हूँ, ये सारी चीजें आप बहुत इजीली बता देंगे आपकी स्ट्रेंथ तो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि यार जैसे मान लीजिए आप लेट हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं या कहीं किसी भी जगह पे पहुंचने में आप लेट हो जाते हैं, तो ये आप बताएंगे, ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आप नहीं बता सकते वहाँ, क्योंकि यार आप ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ना कि आप मतलब जब अभी से लेट होते हो तो आप जॉब में आओगे वहां भी लेट ही होगे, है ना, तो ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आपको बताना नहीं है, है ना, वीकनेस को नहीं बताना, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी को इस तरीके से बताना है कि वो आपकी वीकनेस। जैसे कि मैं लोगों से बहुत जल्दी मतलब भरोसा कर लेता हूँ, लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, ये क्या है? एक तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी ये आपकी वीकनेस है, आप मानते हैं कि आपकी वीकनेस है, लेकिन क्या हुई है, एक तरीके से हम देखें तो ये क्या हुई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई कि आप लोगों पर भरोसा करते हैं, आप लोगों पर बिलीव करते हैं, तो गलत बात नहीं है बिलीव करना, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, ऐसा आंसर ढूंढना है, आपको देखना है कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है ना, जो कि वीकनेस ना होके स्ट्रेंथ है आपको, लेकिन ऐसे हम क्या मानते हैं उसको कि ये वीकनेस हमारी। जैसे मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ काम करने के लिए, है ना, अगर मेरे से काम मैं 100% नहीं हुआ तो मुझे पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब इस टाइप के वर्ड यूज करेंगे ना वीकनेस में भी, तो भी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में ही आएगा। किसी को ना नहीं बोलना, 100% अगर नहीं दे पाया तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाना काम से, मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे उस दिन नींद नहीं आती या फिर मुझे अजीब सा लगता है, एंजाइटी फील होती है अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सब वीकनेस भी स्ट्रेंथ में ही आती है, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस को मिक्स करके इस टाइप के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर ये बोल दे मान लो एक फनी वे में कि मैं 15 घंटे लगातार नहीं सो सकता, थोड़ा सीरियस मोड पे रहना है, मैं थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन, अब ये क्या है इससे कन्वर्सेशन गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसको अवॉइड करना है वहाँ पे ना। जैसे क्या एक, जैसे हम ऐसी चीजें बताएं उनको कि जैसे कि एक इनफॉर्मल वे में जाना वो शुरू कर दे, है ना, तो इनफॉर्मल वे में तो वो भी फिर कहीं से कुछ भी पूछना शुरू करेंगे, तो हमें उनको इस डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है, हमें उन्हें हमेशा ऐसे डायरेक्शन में लेके जाना है कि उनके पास भी पूछने के लिए कम चीज रहे, और रहे वो भी कौन सी रहे कि वो आपके आप उसके बारे में जानते हो, आप वहाँ क्वेश्चन पूछने लग गए तो आप खुद फंसेंगे, तो इसलिए आपको क्या है एक इस तरीके से जवाब देना है आप उसको हैंडल भी कर पाए, उसका क्रॉस क्वेश्चन आए तो उसको भी हैंडल कर पाए, ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसा जवाब दे दिया कि जिससे कि आपको कुछ उसका क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो आप उसका जवाब नहीं, आपके पास उसका फिर जवाब नहीं है। तो मान लीजिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, है ना, आपने ना कभी उस चीज के बारे में पढ़ा नहीं, तो ये नहीं कि आप तुक्के मार रहे हैं या उसको उनको उलझा रहे हैं कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये नहीं वो होता है ना, ऐसा नहीं करना है, वहाँ आपको क्लियरली बोल देना सॉरी सर मेरे को इसके बारे में जानकारी है, मैं भी इसके बारे में पढ़ना चाहूंगा या इसके बारे में मैं भी अपडेट करूंगा अपने आप को, तो इस तरीके से जवाब देना। सर हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या वहाँ पे? हाँ पूछ सकते हैं, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना तो आपकी हॉबी बताएंगे आप उनको, हो सकता है कुछ उनको क्लिक कर जाए माइंड में, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर केवी में हम देखें अभी तो करीब 450 पोस्ट है, एक पोस्ट पे वो अगर 3 लोगों को भी इंटरव्यू कॉल करते हैं तो लगभग 1200 से लेके 1500 लोगों को उनको कॉल करना पड़ेगा। अब 1200-1500 लोगों को लिए अगर मान लो 4 पैनल भी बनाई उन्होंने या 5 पैनल भी बनाई, तो एक पैनल में लगभग आपको 300-400 लोगों का इंटरव्यू होना है, फर्स्ट बैच हुआ सेकेंड बैच हुआ, उसके बाद फिर उनके पास भी लिमिटेशन हो जाएंगे कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे, तो हो सकता है उन्होंने देखा कि यार हॉबी से ही पूछ लें, वो आपके इंट्रोडक्शन पे ही फिर आएंगे कि इंट्रोडक्शन में से आप जो बता रहे हैं उसी में से कुछ जानने की कोशिश करेंगे,